हेलो स्टूडेंट्स, तो 13 नवंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा। ये क्या हो गया? बहुत अलग हो गया भाई, कमाल हो गया। बहुत सारे बच्चों की, यार ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भैया, जरा ध्यान से सुनना इसको। बहुत सारे बच्चों का ये क्वारी आ रही थी व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कि भैया जो है मेरा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कट ऑफ जो है ऑल ओवर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया, बहुत अच्छे मार्क्स थे फिर भी अप्लाई नहीं किया कि 1,000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। और इस प्रकार का उसका जो रिजल्ट जो मिला है, आप देख सकते हो कट ऑफ जो इसका बहुत लो गया, आप चेक कर सकते हो। ओके, फर्स्ट तो शुरू तो अच्छे से हुआ है लेकिन खत्म बहुत बुरे पे हुआ है। ओके, अनरिजल्ट कैटेगरी का आप देख सकते हो एमएससी बायोकेमिस्ट्री 208 नंबर पे कट ऑफ चला गया। मतलब बहुत कम बच्चों ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि 1,000 रुपए ले रहा था। तो बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते होंगे कि 1,000 रुपए बर्बाद हो, 1,000 के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सभी से पहले भी कहा था कि जितना हो सके उतना ज्यादा अप्लाई करना यार, ठीक है? तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो हमारा गूगल फॉर्म लिंक भी फिल कर सकते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग भी होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा एडमिशन। वैसे तो ओबीसी एनसीएल देख सकते हो, एमएससी बायोकेमिस्ट्री भाई साहब 187 नंबर पे, ऐसी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका 187 से नीचे गया हो? ठीक है, मतलब बहुत कम कट ऑफ किया है भाई, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों ने अप्लाई बहुत कम किया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस में नीचे चले ना अपन 188 नंबर, ओके, वरना और जितने भी है वहां पे 200 प्लस रहा है। ओके, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडीएससी नंबर, ओके, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज है भाई साहब, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ठीक है। देन ओबीसी एनसीएल 202 नंबर, ये भी फिर ये देख लो, एमएससी केमिस्ट्री 209 नंबर, ओके, एंड रिजल्ट कैटेगरी। एंड ओबीसी एनसीएल की अगर अपन बात करें तो वो देख सकते हो 184 नंबर। एससी कैटेगरी का भी लो गया कट ऑफ काफी, एससी 162 है, एसटी 153 है। ओके, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज 151। ओके माय गॉड, मतलब जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया यार, वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि यार ऐसा क्या हो गया, 1,000 के चक्कर में अप्लाई ही नहीं किया यार। तो देख सकते हो स्टेटिक्स का भी काफी, मसी मैथमेटिक्स जिसका बहुत ज्यादा परसेंट प्रकोप होता है, 189 पे अटक गया यहाँ पे, देख सकते हो 189। ओके, एंड ओबीसी एनसीएल पे अगर अपन बात करें तो ओबीसी एनसीएल पे 160 नंबर, क्या कमाल हो गया यार, कमाल हो गया ये तो। एस सी कैटेगरी स्टूडेंट्स 107 नंबर, ईडब्ल्यूएस 151 नंबर। माइक्रोबायोलॉजी है भाई साहब, माइक्रोबायोलॉजी का कोर्सेज मिल पाना प्राइवेट वगैरह में कोर्सेज ही नहीं मिल रहे तुमको, इतने मार्क का मार्क्स पे मिल रहा है, अप्लाई नहीं किया क्या? तो यार मेरा गूगल फॉर्म लिंक भर सकते हो, नीचे दिया गया है, ठीक है, पेड है, लेकिन हम ट्राई करते हैं 100% मिले बच्चों को सीट। अगर बाय चांस नहीं मिलता है तो हम पूरा रिफंड करते हैं। ओके, तो जस्ट अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो वो गूगल फॉर्म फिल कर सकता है। आफ्टर गूगल फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट, विदिन 2 से 3 आवर्स हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करती है, वो बताती है कि आपका होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स है, कितने पे होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और आपको एटलीस्ट 100% सीट दिलाते हैं, चाहे वो स्पॉट काउंसलिंग हो, ओपन काउंसलिंग हो, वैसे भी, ठीक है। तो जस्ट किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट हो तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कर सकते हैं। कट ऑफ यार बहुत ही कम लोग किया है, देख सकते हो बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया था इसके अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर। ओके, एस सी कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, तो यार घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है, स्पॉट राउंड होगा, ओपन काउंसलिंग होगी, उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। या फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा हो भैया होगा कि नहीं होगा, संतुष्टि के लिए हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, चार्जेबल है, लेकिन हाँ एडमिशन मिल जाता है, अगर एडमिशन मिलता है तो चार्ज देने की में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लोगों को मुझे पता है। ओके, तो जरूर फिल करें अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को वॉच करते रहे यार। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, एक तो जो वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है उसके पास है, सेकंड मेरे पास है, और यार 2-3 YouTube चैनल और बता देता हूँ तुम लोगों को, जहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग अच्छी अच्छी अपडेट मिल जाएगी। तो
एक शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से टीचर हैं, MD मुदाशिर आलम ऐसे कुछ है वो, ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ाते हैं हिंदी ऐसे कुछ। तो वो भी यार वीडियोस डालते रहते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के। और भी है कुछ, जैसे एक स्टूडेंट है परमेश्वर कुमार जेमेस्ट्री, ओके, तो यार वो भी अपडेट डालता रहता है रिगार्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, अच्छे वीडियोस बनाता है, ओके। MD दिखा देता हूँ, MD मुदासिर आलम, ओके। देन एक परमेश्वर, PARMASHWER, परमेश्वर कुमार जेमेस्ट्री ऐसे कुछ है, चैनल है एक, ओके। तो आप देख सकते हो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मतलब काम आएगा, ओके। देन जो भी अपडेट होते हैं रिगार्डिंग आ जाती है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो भी अपडेट होती है सब्सक्राइब करके रखा करो, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन छूटे ना, ओके स्टूडेंट, ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ये वेरी बुक बिग अपॉर्चुनिटी की इतना कम स्कोर किया, बहुत सारे बच्चों का ये अप्लाई इसीलिए नहीं किया क्योंकि सर 1,000 रुपये लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी में इसी में मेरा तो होने तो वाला है नहीं, तो मैं क्यों अपने 1,000 बर्बाद करूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि 1,000 रुपये क्यों बर्बाद करें हम, हमारा होगा तो नहीं उसमें, ठीक है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, तो इसके चक्कर में देख सकते हो कट ऑफ कितना लो गया। जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनको यार मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी उनके पास, हो सकता है उनका हो भी जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनके 200 प्लस मार्क्स था, फिर भी उनका ये अप्लाई नहीं करने के कारण ही नहीं हो पाया, ठीक है, अप्लाई ही नहीं किया। घबराने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट राउंड होगा, ओपन काउंसलिंग होगी, जरूर पार्टिसिपेट करें सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। और यार एक कुछ बच्चों का अगर एरोस्पेस में इंटरेस्ट हो तो जस्ट दिस इज एन PSSC पटियाला, ओके, दिस इज एन फुली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, दिस इज प्रोवाइडिंग एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड प्रेजेंट टाइम सम सीट्स आर वेकेंट, दिस इज न्यू कॉलेज ओपन बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन 2016 2017, ओके, तो यू कैन गेट एडमिशन इजीली, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ओके।